कि इमरान खान साहब ने 21 बिलियन डॉलर की सपोर्ट मांग ली है चाइना से, जिसमें तकरीबन 10.735 बिलियन डॉलर की रोल ओवर, यानी कि जो एग्जिस्टिंग लोन्स हमारे पास थे उनके रोल ओवर की रिक्वेस्ट कर दी है, और 10 बिलियन डॉलर एज ए डिपॉजिट फंड जो है वो जमा कराने। हम कोई गुलाम है तुम्हारे यूरोप के? अच्छा, चीनी क्या करते हैं, वही गुलामी अंदर बंद कमरे में करवाते हैं और कहते हैं बाहर जाके बताना भी नहीं है, तो हम कहते हैं ठीक है सर कोई बात नहीं है। अरबी भी इसी तरह करते हैं, वो टीवी पे आके कोई बात नहीं करते और ना ही वो कुछ स्टेटमेंट जारी करते हैं। यूरोपियंस का और अमेरिकन का ये है कि ये जरा ज्यादातर बातें बाहर करते हैं, अंदर भी बहुत कुछ करते होंगे। तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, यहाँ पर बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 21 बिलियन डॉलर का लोन मांगा है चीन से, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इस बात को लेकर कमर चीमा ने कुछ कड़े शब्द बोले हैं, वो भी आप सुनिए, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं बात कि पाकिस्तान एग्री करती हैं, और मजे की बात है इतनी सियानी हुकूमतें हैं हमारी कि अंदर जो तय करती हैं बाहर आके बताती नहीं है, और फिर जो अपोजिशन में भी चले जाएं तब भी नहीं बताती, क्योंकि उनको पता है हमने हुकूमत में आना होता है। अब वो ये देखें, लॉन्ग टर्म खिलाड़ी हैं सारे, वो चाइनीज भी लॉन्ग टर्म खिलाड़ी हैं, इमरान खान साहब भी अब सियाने हो गए। इमरान खान साहब ने आते पहले तो सीपैक बंद करवाया ना एक दफा, और कहा मैं देखना वहां के चाइनीज किस तरह हमारी सॉवरेनिटी पे, हमको गुलाम है चीन के। अच्छा, ये मजे की बात है, इमरान खान साहब ये बड़ी जल्दी नारा मार लेते हैं, हम कोई गुलाम है तुम्हारे यूरोप के। अच्छा, चीनी क्या करते हैं, वही गुलामी अंदर बंद कमरे में करवाते हैं और कहते हैं बाहर जाके बताना भी नहीं है, तो हम कहते हैं ठीक है सर कोई बात नहीं है। अरबी भी इसी तरह करते हैं, वो टीवी पे आके कोई बात नहीं करते और ना ही वो कुछ स्टेटमेंट जारी करते हैं। यूरोपियंस का और अमेरिकन का ये है कि ये जरा ज्यादातर बातें बाहर करते हैं, अंदर भी बहुत कुछ करते होंगे जारी बात है, लेकिन वो कहते हैं यार ठीक है, ऐ खाता सही है कि चीनी और अरबी जो है वो हमारे साथ अंदर में यस करा लेते हैं और हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलते और हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। तो कभी हम नहीं कहेंगे हमारी सॉवरेनिटी, हमारी इंटेग्रिटी खा गए सऊदीज, हम चीनियों ने हमारी सॉवरेनिटी को तबाह करके रख दिया। हम सिर्फ एक ही कहेंगे, ओ अमेरिका, ओ चाइना, ओ यूरोप, ओ तुसी हमारी सॉवरेनिटी खा गए हो, आप लोगों को हम आपके को गुलाम है। और उधर चाइना में क्या आप ये 10 अरब डॉलर की, ये जो 11 अरब डॉलर, 11.5 अरब डॉलर का रोल ओवर मांगा है और 10 बिलियन डॉलर का डिपॉजिट मांगा है, तो ये किस चक्कर में मांगा हुआ है? इधर क्या सॉवरेनिटी आपकी नहीं गई? इधर आपके उन्होंने अंदर आपको क्या उसी वक्त कह दिया होगा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर सिंस यू आर विजिटिंग बीजिंग ऑन विंटर ओलंपिक्स एंड दिस इज अ गिफ्ट ऑफ सो एंड सो बिलियन डॉलर्स फॉर अ कैश डिपॉजिट एंड वी ऑल्सो गिव यू अर ऑल ओवर फैसिलिटी ऑफ 11 बिलियन डॉलर, सो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी अप्रिशिएट यू केम हेयर, और आपके आने के ही हमने आपको 21 अरब डॉलर का दे दिया। उधर वो जो श्रीलंकन है वो मांग रहे थे पता नहीं कितना, 4 अरब डॉलर के कितना, वो कह रहे थे कि हमें उसकी फैसिलिटी दे दें, एक्सटेंड कर दे, कोई इस तरह को रोल ओवर का मांग रहे थे, मेरा ख्याल है उनको दिया कि नहीं दिया उन्होंने। सो द पॉइंट हियर इज कि ये जो पाकिस्तानी जो एम्बेसडर हैं चीन में, उनको कहा गया कि यार ये जो चीजें हैं ये करो, और ये हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे जो एक्सटर्नल लोन्स हैं आपको पता है दोस्तों वो भी धड़ाधड़ बढ़ी जा रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि हमारी हुकूमतें पता तो लगने नहीं देती। अब ये इतना तो मुझे पता है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो टोटल बजट है, जो लोन है, वो तकरीबन जीडीपी के 83-84% के करीब चला गया हुआ है। कई दोस्त कहते हैं जी 50 ट्रिलियन कर्जा हो गया, कोई कहता है जी 40 ट्रिलियन कर्जा हो गया, कोई कुछ कह रहा है, डिफरेंट इस हवाले से जो है वो स्टैटिस्टिक्स आती हैं। और लेकिन सिर्फ यही है कि जिसे कहते हैं ना कि एक शर्मिंदगी की बात यह है कि अभी जो इमरान खान साहब के टेन्योर में तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1,30,000 मिलियन US डॉलर हमने कर्जा ले लिया हुआ है। इतना कर्जा हमने एक्सटर्नल पाकिस्तान का जो डेट है वो हमारे ऊपर है, 1,30,000 मिलियन US डॉलर। ये तो पता नहीं कितने को अमाउंट आप मल्टीप्लाई कर लें, मेरा मुझे तो इतना साफ नहीं आता कि कितना को पाकिस्तान ने ये देना है। अब इन तरह की चीजों में आके एक तरफ आप जो है वो हमने OIC के कॉन्फ्रेंस, फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस भी करानी है 22-23 मार्च को, वो भी सुना हो रही है। अच्छा, चाइनीज भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। अच्छा एक तरफ, अच्छा वो ना तो OIC की कुछ सुनता है, ना कोई OIC की कुछ समझता है, ना OIC को लिफ्ट कराता है, ना तो उसका कोई फॉरेन पॉलिसी आउटकम है। ये OIC है, मुझे बताएं ये जो आ रही है अभी, ये जब हम पहले कहते थे कि आओ बुलाओ तो कोई अरबी कोई मानता नहीं था, कोई सऊदी कोई अमाराती मानता नहीं था, तो कितने दुख की बात थी यार। आज अगर देखे वो मान रहे हैं, और वो भी पता नहीं किस चक्कर में आ रहे हैं,
ये भी एक जैसे कहते हैं ना सस्पेंस ही है हमारे लिए, और इसका कोई फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। हाँ लेकिन एक चीज है कि सिर्फ हम ये कह सकते हैं जी कि एक्साइज होगी। अब आप जरा नोट करें कि इमरान खान 3.5 साल में दुनिया में कहाँ गए हैं और पाकिस्तान में कौन आया है, इसका जरा सिर्फ एनालिसिस कर लें तो आपको ये पता चलेगा सिर्फ मुसलमान लीडर पाकिस्तान में आए हैं, ठीक है। बीच में चंद एक नॉन मुस्लिम वर्ल्ड यूरोप से भी कुछ लोग आए हैं, ठीक है। अब जारी बात है हमारे यहाँ कौन आ रहा है, इंडिया में कौन जा रहा है, इन चीजों का एनालिसिस आप कर सकते हैं, आप समझदार हैं, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओआईसी का इजलास जो है वो 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर 2 दफा हो जाना पाकिस्तान में, हम समझते हैं ये बहुत बड़ी हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस है। मैं इसको सक्सेस नहीं समझता, बिकॉज ओआईसी इज अ डेड हॉर्स। ओआईसी जो है वो आपकी वो नहीं वो चीजें करने वाले। उधर से इमरान खान साहब जो है वो फुल इस वक्त तैयार बैठे हुए हैं कि मुझे आप जो है ना विक्टर, मुझे शहीद कर दें, सियासी शहीद यानी के। और सियासी शहीद क्या होगा, जिस तरह मैंने आपको दोस्तों पहले बताया नो ट्रस्ट मूव आ गई है, इमरान खान की पार्टी के अंदर से बहुत सारी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, एक डिसिडेंट ग्रुप बन चुका है विद इन द पार्टी। वो क्या कर रहा है, वो कहता है यार ये लोग इमरान खान साहब जो है इन्होंने हमारे ऊपर नालायक लोग बैठा दिए, और इमरान खान साहब पसंद करते हैं मैं इस्लामाबाद से जो सूबे अपने जो प्रोविंसेस हैं चलाऊं, और इसी तरह अब ये एक तरफ इस तरह कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें कोई पैसा भी नहीं देते, कोई हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पैसे नहीं लगा सकते, हम कौन सी जमात के लोग हैं, हम हमें हल्के में आवाम को तो हमने फेस करना है। इमरान खान को तो ये कहा, इमरान खान जो ये कहता है कि जी मैं फलां हल्के में आ रहा हूँ, इतने बंदे इकट्ठे करके ले आओ, और वो छह छह डिस्ट्रिक्ट के बंदे इकट्ठे करके लेके आते हैं। आजकल इतना फुकदान है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में होता है जलसा इमरान खान साहब को होता है वहां से बंदे नहीं आते, मजीद आगे 6-10 डिस्ट्रिक्ट के लोग उनको लेके आया जाता है ताकि वहां पे काफी रश हो। सो ये तो आप बता दें हमें कि एक तरफ आपने जीसीसी से लोन लिया हुआ है, सऊदी से लदा लोन लिया हुआ है, आईएमएफ से $6 बिलियन, $10 बिलियन आप और मांग रहे हैं, ठीक है जी, और इसीलिए फिर चाइना की तारीफें करते हैं वहां जाके, दिस इज माइंड ब्लोइंग, और चाइनीज का लेवल ही एक और है भाई। जब आपको पता है सुबह ये बात टेबल पे रखनी है कि $10 बिलियन का डिपॉजिट फंड दे दें और $11 बिलियन को रोल ओवर कर दें, तो इतनी हल्की फुल्की तारीफें तो मार्केट में चल जाती हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है इमरान खान साहब को, और क्या फर्क पड़ता है कि ये हमें, लेकिन ये हमें बता दिया जाए कि क्या ये IMF प्रोग्राम इसी तरह चलता रहेगा, क्या हम दुनिया में इसी तरह कर्जे मांगते रहेंगे। और इमरान खान साहब ने तो वादा किया था कि मैंने ये बेसिकली जो ऑयल सस्ता किया, तेल सस्ता किया, वो इसलिए कि थोड़े से पैसे इकट्ठे हो गए थे तो मैंने कहा मैं रिलीफ दे दूं, वो सर जी इतने कोई 100-200-400 मिलियन से अगर इकट्ठा हो जाए तो आप फटाफट रिलीफ नहीं दे देते, और बहुत सारे हमारे पंजाबी जी कहते ने कप्पे होंगे ने जड़े ने थावा होनी है ना जिसे बंदा ला सकता है, आपने फटाफट रिलीफ दे दिया बिकॉज आपको पता अपोजिशन पार्टीज आ रही हैं। तो ये सिर्फ सिर्फ ये यार इतनी गंद है पाकिस्तान की सियासत में, और गंद पता है कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, गंद वहां से शुरू होता है जब कोई सियासी जमात एक सिंपल मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाती, और सिंपल मेजोरिटी हासिल ना करने की वजह से वो डिलीवर वो डिपेंडेंट रहती है अलायंस के ऊपर, और फिर वहां पे आ जाता है रोल एस्टेब्लिशमेंट का, और फिर वो ये सारे लीडरान एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं एक तरफ। दूसरा गांधी ये होता है कि अगर ये पावर में आ भी जाए तो दे डू नॉट हैव सफिशियंट फंड्स टू रन द कंट्री, दे नीड टू बोरो द मनी, और भाई बोरो करना कौन सा काम है, वो तो किसी ऐरे गैरे नथु। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। पाकिस्तान के कमर चीमा किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हाल ही में सिचुएशन बनी हुई है कि इमरान खान अब मतलब जो चिराग का तेल, मतलब किसी दिए का तेल जब खत्म होने वाला रहता है तो दिया एक बार बहुत तेजी से जलता है फिर बुझता है, वही कुछ सीन इमरान खान के साथ रिपीट हो रहा है। इनकी रैलियों में इस तरीके के भाषणबाजी हो रही है। अब इमरान खान ने चीन से $21 बिलियन का लोन मांगा है, तो ये समझ सकते हो आप ये कितना बड़ा अमाउंट है। हालांकि मैं इमरान खान की इसमें गलती नहीं समझता हूँ, इमरान खान के बाद कोई भी गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान में आती है तो डेफिनेटली ये तो कंडीशन रहेगी वो लोन चाइना से ही लेंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला ले लिया चीन से वो पैसे लेंगे और यहाँ का पैसा वहाँ करेंगे, हेरा फेरी करेंगे, मतलब यहाँ से कर्जा लेकर दूसरे का कर्जा चुकाएंगे, यही कुछ सीन है पाकिस्तान का।
तो दोस्तों आप देख सकते हो इमरान खान का एक एटीट्यूड रहा है भारत के साथ। भारत के साथ इन्होंने इस तरीके की घटिया लैंग्वेज में बात की है। मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान के रहते हुए अगर इमरान खान फिर से आते हैं तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते सेम रहेंगे, क्योंकि इमरान खान के जो ट्वीट हैं आप वो पढ़ें तो आप समझ जाएंगे कि कितने निचले दर्जे की इन्होंने बातें की हैं। अभी आपने देखा होगा यूरोप को लेकर और वेस्टर्न कंट्रीज़ को लेकर इमरान खान के ऐसे कुछ बयान हैं कि मतलब इमरान खान ऐसा कुछ बिहेवियर ला रहे हैं कि जैसे कि ये मतलब इन्होंने कर्जा दिया है वेस्टर्न कंट्रीज़ को, अमेरिका को इन्होंने कर्जा दिया है। तो ये अपना सीधा सा बात है, ये अब अपना बाप चेंज कर चुके हैं, अमेरिका से ये अपना बाप चीन को बना रहे हैं और ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। हालांकि बाप बहुत पहले चेंज कर दिया, लेकिन गलती ये है कि जो चीन है इनका नया बाप, ये पैसे तो देता है लेकिन ये पैसे एज अ कर्जा देता है और कर्जे के बदले ये कुछ ना कुछ गिरवी रखता है। जैसे आपने देखा होगा सोना रखकर आपको पैसे मिलते हैं, तो ये पाकिस्तान का कुछ ना कुछ इलाका या पाकिस्तान का कोई ना कोई पोर्ट, पाकिस्तान का कोई ना कोई एरिया, ऐसा कुछ गिरवी रखेंगे और पाकिस्तान को पैसे देंगे। हो सकता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट पर भी शायद ऐसा कुछ सीन बन जाए। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इतना बड़ा लोन पाकिस्तान लेकर करेगा क्या? प्लीज़ कॉमेंट में अपनी